नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं जानकी की कहानी का अंतिम भाग लेकर आई हूँ। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहाँ से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग यानी कि अंतिम भाग सुनाती हूँ। मैं चाय बना रही थी और साथ ही साथ रोती भी जा रही थी। मेरी सास का अजीब सा बर्ताव मुझे रोने के लिए मजबूर कर रहा था। कैसे वो मेरे पेट से ना होने की खबर से तुरंत ही बदल गई थी, फिर मुझे अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देखकर गले से लगा लिया और बोली कि पगली है तू, तो तुम तो गांव की अनपढ़ दाई के सामने बैठ गई थी, तुम्हें नहीं पता कि इसने अपनी अनाड़ी होने की वजह से कितने औरतों के बच्चों को मार डाला है। ये खुद को अनुभवी बोलती है पर है नहीं, इससे जरा सा बच के रहना। फिर मेरी सास ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी तसल्ली के लिए सुबह मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, तब कहीं जाकर मुझे चैन मिला था। मैं रोहन से भी नाराज़ थी, इसलिए शाम को जल्दी सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरे उठने से पहले वो अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। मैंने अपनी सास को डॉक्टर के पास जाने के लिए जीत की तो वह मुझे लेकर गई। महिला डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मुस्कुरा कर बोली कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। फिर मैंने लेडी डॉक्टर से कहा कि फिर मेरा पेट क्यों उभर कर बाहर नहीं निकल रहा है, तो लेडी डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ महिलाएं अपने प्राइम में उतनी ही पतली होती हैं जितने वो पहले से होती हैं। फिर उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे मेरी रिपोर्ट दिखाई, तब कहीं जाकर मेरे दिल को तसल्ली हुई थी, वरना मैं तो दाई की बातें सुनकर बहुत ही डर गई थी। मैं इस तनाव से बाहर निकली तो एक बार फिर मुझे रिंकी की हरकतें परेशान करने लगी। वह हर रात किसी के साथ फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करती रहती थी। एक रात मैं रिंकी की यूं ही जासूसी कर रही थी, तब मैंने उसे टेरेंस पर जाते हुए देखा। मैं यही सोच रही थी कि रात के 2 बजे वो टेरेंस पर क्या लेने जा रही थी। मुझे चिंता सता रही थी कि कहीं उसका घर से भागने का कोई इरादा तो नहीं है। मैंने उसे इतना बड़ा कदम उठाने से रोकने के लिए रोहन को नींद से जगा दिया। वह घबरा कर बोला कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने जोर से कहा कि रिंकी घर से भागने लगी है। रोहन डर गया और उसने मुझसे कहा कि वो कहाँ है। मैं रोहन को अपने साथ टेरेस पर लेकर गई तो रिंकी सामने भगवान की तस्वीर रखकर माला जप रही थी। तब रोहन मेरी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे। तभी किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी, कोई हमारे घर की टेरेस से नीचे कूदा था। रोहन उस ओर दौड़ गया लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया था। जब रिंकी बोली कि तो उसकी आवाज़ में समंदर जैसा सुकून और ठहराव था। भाभी, आपने मेरी बिल्ली को तो डराकर भगा दिया, हमारी अभी अभी तो दोस्ती हुई थी, पहले वो मुझसे डरती थी, पास भी नहीं आती थी। आज जब उसने मुझ पर भरोसा किया कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो आपने उसे डरा दिया। रोहन ने मेरे और रिंकी की तरफ देखा और नीचे चले गए। रिंकी बोली कि भाभी, मेरी जासूसी करना बंद कर दो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बद्दुआ तुम्हारे बच्चे को लग जाए और तुम फिर से एक बार खाली दामन रह जाओ और माँ इस बार तुम्हारे फिर से पेट से होने का इंतज़ार भी नहीं करेगी, वो भाई की दूसरी शादी करके ही चुप रहेगी। मैं रिंकी की बातें सुनकर अंदर तक हिल गई थी। मैं चुपचाप वापस लौट आई। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा था। रिंकी घर का काम काज कर रही थी, सास लिविंग रूम में बैठी थी और रोहन अपने काम पर चले गए थे। उस रात के बाद रिंकी पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने न तो उसे किसी से फ़ोन पर बात करते देखा था, न रातों को टहलते देखा था। वो भगवान के नाम की माला जपकर घर के काम काज में लग जाती,
लेकिन उस रात के बाद रिंकी और मैंने पूरी तरह से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। मेरा ध्यान भी उससे हट गया क्योंकि मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा नौवां महीना चालू हो चुका है, अब तुम कभी भी माँ बन सकती हो, इसलिए तैयारी करके रखो। मैंने अपने बच्चे को कपड़े वगैरह बनाने में बिजी थी। मैं अपने पेट पर हाथ रखती तो अजीब सा महसूस होने लगता था। मैं इतनी कम उम्र के कारण मुझे नहीं मालूम था कि कुछ महिलाओं की गर्भावस्था ऐसे ही चुपचाप गुजर जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। मैं सारा सारा दिन भगवान के नाम की माला जपती और प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे लिए अच्छा समय लाना। ऐसे ही एक रात मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली कि बेटी, तुम्हारी गर्भावस्था की अवधि समाप्त हो गई है, सुबह तुम्हारे घर बच्चा पैदा होगा, तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो। फिर मुझे सास ने एक भूरे रंग का पैकेट दिया और कहा कि इसमें एक गोली है, इसे याद करके खा लेना, इससे तुम्हें बच्चे को जन्म देने के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने उस लिफाफे को अपनी सास से बहुत खुशी के साथ लिया था। मेरा दिल एकदम ही बहुत सारे खुशियों से भर गया था। एक पल के लिए मैं खुश हो जाती तो अगले ही पल डर के मारे मेरा मूड खराब हो जाता था। मुझे नहीं पता था कि सुबह क्या होगा। मैं मन ही मन में लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपनी खुशी और डर के मारे मैं वह गोली खाना ही भूल गई थी। लेटे लेटे ही मेरी आँख लग गई। आधी रात के करीब जब मेरी आँख फिर से खुल गई तो मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा उठ ही गई हूँ तो चलो एक बार पानी पी के ही सो जाती हूँ। जब मैं घर के किचन की तरफ जाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे रिंकी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह चिल्ला रही थी। मैं एकदम से डर गई। मुझे चिंता थी कि कोई उसे नुकसान ना पहुँचा दे। मैं रिंकी के कमरे की ओर तेज़ी से जाने लगी। जैसे जैसे मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो उसके चिल्लाने की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। मैंने कांपते हाथों से रिंकी के कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सामने का नज़ारा देखकर मैं बिल्कुल ही सन रह गई। रिंकी की डिलीवरी हुई थी और मेरी सास ने रिंकी के बेटे को पकड़ के रखा था, और वही महिला डॉक्टर जिसने मुझे मेरे पेट से होने की खबर सुनाई थी वो रिंकी की डिलीवरी कर चुकी थी। मैं हक्का बक्का होकर उनका मुंह ताक रही थी। मेरी सास ने रिंकी के बेटे को मेरे चरणों में रख दिया था। वो भी मेरे पैरों के पास बैठ गई और रोने लगी। उसने कहा कि बेटी, मुझ पर और इस मासूम बच्चे पर भी एक एहसान करो, इसे अपना ही समझो। बस इतना समझ लो कि आज रिंकी ने नहीं बल्कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है, तुम इस डिलीवरी से गुजरी हो। मैं बिल्कुल ही घबरा गई और बोली, लेकिन अब मेरा बच्चा कहाँ से, मेरी डिलीवरी का वक्त तो सुबह का है ना। तभी वही महिला डॉक्टर आगे बढ़ी और बोली कि बेटी, तुम बांझ हो, तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी सास मेरी दोस्त है, इसने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम माँ बनने वाली हो, आगे मैं कुछ नहीं जानती। मैं तड़प कर अपनी सास की ओर बढ़ी। मैंने कहा कि यह कैसे हो सकता है। मेरी सास बोली कि दरअसल जब तुम्हारी शादी हुई तब तुम बिल्कुल ही मासूम और ना समझ लड़की थी। मुझे लगा कि समय के साथ साथ तुम्हें अकल आ जाएगी, लेकिन यह मेरा अंदाज गलत निकला था। लेकिन शादी के 5 साल बाद भी तुम पहले दिन की तरह मासूम हो और तुम्हारा ये भोलापन मेरे काम आ गया। मैंने 4 साल तक इंतज़ार किया कि तुम मुझे नाती पोतों की खुशखबरी दोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई और तुम्हारा चेकअप करवाया तो उसने मुझसे बताया कि तुम बांझ हो और तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो। फिर मैंने पारंपरिक सास बनने के बारे में सोचा। मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। जब मैंने रोहन से उसकी दूसरी शादी के बारे में बात की तो वह भी मान गया था। मैंने रोहन के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तभी एक दिन अचानक रिंकी मेरे कदमों में गिर कर रोने लगी थी और माफ़ी मांगने लगी थी। रिंकी ने कहा था कि माँ,
मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनने के बाद तो मेरे ऊपर मानो जैसे पहाड़ ही गिर गया था। मैंने रिंकी को खूब मारा भी था, तब इसने बताया था कि इसने हम सबसे छुपकर पड़ोस में आए हुए एक मेहमान लड़के से शादी कर ली थी। वह किसी दूसरे गांव से आया था। उसने रिंकी को प्यार के जाल में फंसाकर इसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में इसको शादी के बंधन में बांध दिया था। जब रिंकी ने लड़के को बताया कि वो पेट से हो गई है, तो वो लड़का अपना सामान लेकर भाग गया था। रिंकी ने उस लड़के से संपर्क करने के लिए मुझसे एक मोबाइल फ़ोन भी मंगवाया था। रिंकी हर समय उस लड़के से बात करती थी, उससे शादी करने की भीख मांगती थी। बेटे, वो लड़का वादा करके फिर से इनकार कर देता था। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैं जानती थी कि तुम दुनिया की चालाकियों से अनजान लड़की हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पेट से हो और तुमने यकीन भी कर लिया था। मैंने रिंकी को भी सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो अभी भी लड़के को मनाने में लगी थी। एक बार वो लड़का रिंकी से मिलने टेरेस पर आया था और ये बता कर गया कि वो इसे तलाक देने वाला है, अब हम सीधा कोर्ट में मिलते हैं। इतना कहकर वो भाग गया था। मैंने सोच लिया था कि रिंकी का बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दूंगी, इस तरह मेरी बेटी बेमौत मरने से बच जाती। तुम तो जानती हो ना कि बिना पति के औरत को समाज किस नज़रों से देखता है। इसलिए मैंने वो किया जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बच्चे की जान भी बच गई और मेरी बेटी रिंकी भी बच गई। इसके पिता का सिर भी नहीं झुका और न ही उसके भाई के सम्मान को ठेस पहुंची। तुम भी तलाक से बच गई हो, लेकिन रोहन यह नहीं जानता है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि रिंकी का है। उससे भी यह सच छुपा कर ही रखना है। मैं तो हैरान निगाहों से उनकी ओर देख रही थी कि कितना मतलबी होता है ना इंसान। कुछ दिन पहले मेरी सास मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी, मगर अब मेरे सामने लाचार और मजबूर सी खड़ी थी। मैंने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली कि ये मेरा राजा है, ये मेरा बेटा है। मेरी सास ने आगे झुककर मेरा माथा चूम लिया था। रिंकी ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। सुबह ही मैंने घर में ऐलान कर दिया था कि मैं माँ बन गई हूँ। रोहन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। राजा हमारे घर की शान है, राजा हमारे पूरे परिवार का लाडला बच्चा है। मैं इसे देख देख कर भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती। उसने किस तरह मेरे लिए हर कदम तय करके रखा था। राजा मेरा बेटा है, रिंकी का बेटा भी उसके सामने ही रहता है, इसलिए अब वो भी खुश रहने लगी है। रिंकी हमारे राजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, क्योंकि बेटा तो उसी का ही है। लेकिन पूरे 5 साल बीत गए और हमारा राजा अब बड़ा होते जा रहा है, लेकिन आज तक रोहन को ये पता नहीं चली कि राजा हमारा नहीं रिंकी का बेटा है। अब रिंकी की शादी भी हमारे एक रिश्तेदार के लड़के से हो गई और अब रिंकी ने भी अपने जीवन की नई शुरुआत की और अब वो भी खुश है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।